अभी थोड़ा सा हम इसे वो देते हैं टाइम, थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन कर ले अपना, फिर इसे रेव अप करके आपको इसकी धाड़ सुनाते हैं कैसी। H2 से किसी भी तरह कम साउंड नहीं है इसकी, अफकोर्स कावासाकी का DNA है इसमें भी। तो चलिए थोड़ा सा इसे टेम्परेचर मेंटेन होने देते हैं, फिर उसके बाद इसे बूम बूम करते हैं। 1, 2, 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। मेरे साथ कौन मौजूद है, मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? व्यूअर्स कैसे हैं आप, ठीक हैं? वी आर एट यूनाइटेड ऑटोज रावलपिंडी और यूनाइटेड ऑटोज मोटर स्पोर्ट पे आज हम डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो को। आज क्या करने वाले हैं जी? आज हम अपनी वीडियो का स्टार्ट उस बाइक से लेंगे जो है तो सुपर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक शेप के अंदर है, लेकिन प्राइस होंडा 125 वाली है। ना करें जी, बिल्कुल। आज हम जो है ना लोस कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, कम बजट वाले बाइक से स्टार्ट करेंगे। लोगों को बड़ा गिला रहता है, आप महंगी महंगी बाइक दिखाते रहते हैं और हम पूरी वीडियो एंड तक देखते हैं, फिर हमारे पता लगता है मतलब का बाइक कोई नहीं है। तो आज हम आपको स्टार्ट करेंगे लो बजट बाइक से, लेकिन वीडियो फिर भी आपने पूरी देखनी है। वीडियो पूरी देखनी है। और एक और बात यह है कि अगर अभी तक आपने बाइक में पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की एक्साइटिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। यूनाइटेड ऑटोज मोटर स्पोर्ट का जो ऑफिशियल यूट्यूब लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। उमर भाई ने स्पेशल ये पीछे स्टूडियो बना रखा है, इसमें बड़े मज़े मज़े की बाइक्स लेके आते रहते हैं अपने चैनल पे, तो मेक श्योर आप उसको भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा जी उमर भाई। और उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप लकी विनर भी हो सकते हैं, जो हम 5 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर एक हैवी बाइक गिव अवे करने वाले हैं, हो सकता है वो लकी विनर आप ही हों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ चैनल का नाम है। और पाकिस्तान में वैसे पहली दफ़ा होने वाला है कि कोई हैवी बाइक किसी को ऐसे ही गिव अवे दिया जाए, और वो भी करना कराना कुछ नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब। जी उमर भाई स्टार्ट करते हैं। जी तो सर स्टार्ट करते हैं एज कमिटेड सबसे लोएस्ट बजट बाइक से, तो मेरे ख्याल में आगे ले आते हैं ताकि व्यूअर्स को प्रॉपर नज़र आ जाए। व्यूअर्स, ये पावर का 200cc मोटरसाइकिल है और 250cc है, सिंगल सिलेंडर है, यूज मोटरसाइकिल है, 2018 का मॉडल है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी उमर भाई के शहर की है, एबटाबाद रजिस्टर्ड ये बाइक है। और इस बाइक की जो प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ 1,95,000 है, 1,95,000 रुपीज़। लेकिन जो भी चैनल का सब्सक्राइबर आएगा उसको इसके अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट स्पेशल दिया जाएगा, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बड़ा लो बजट बाइक है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट फिर भी बनता है, ज़रूर चैनल के सब्सक्राइबर को करेंगे। 1,95,000 200cc पावर लियो 2018 का मॉडल। वैसे सॉरी हमने झूठ से वीडियो स्टार्ट की है, ये 125 से भी सस्ता है, 125 जितना नहीं है। उमर भाई कह रहे थे 125 की कीमत में, 125 भी 2.5 लाख रुपए तक, पौने 3 लाख नहीं, मेरे ख्याल में कोई 1,85,000 रुपए का है। नहीं वो तो क्लासिक है ना। हाँ हाँ, तो वो जो दूसरा स्पेशल एडिशन और CB125F है उससे तो बहुत सस्ते में। CB125F को देखें और इसको देखें। और एक चीज़ आपको फिर यहाँ और भी बताते चले कि बहुत सारे क्लाइंट सोच रहे होंगे यार सस्ता मोटरसाइकिल है तो शायद ठीक ना हो। उनके लिए 24 आवर्स की रिटर्न पॉलिसी, बाइक ले जाएँ, पसंद नहीं आए कोई भी यूज मोटरसाइकिल अगर आप चाइनीज़ लेते हैं हमारे शोरूम से, 24 आवर्स में बाइक से सेटिस्फाई नहीं होते आगे अपनी 100% पेमेंट वापस ले जाएं। और उसके बाद भी 1 वीक की वारंटी दी जाती है तमाम चाइनीज़ यूज मोटरसाइकिलों की। यूज़ मोटरसाइकिल 1 हफ्ते के अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू आए, मास वाए फिजिकल डैमेज के, वो हम कवर करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पार्ट रिप्लेस करके देते हैं। अच्छा, आपने बात की अभी, हम इससे पहले कि मजीद बाइक्स की जाने बढ़ें चाइनीज़ बाइक की तरफ, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का क्या सीन है? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बाइक हमने सेल किया उसका रिस्पॉन्सिबल हमें, मतलब कोई बाद में कोई वैसे भी जरूरत पड़ता है और रनिंग आइटम्स तो तमाम अवेलेबल है ना? अवेलेबल होते हैं। पावर का जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल है ये कंपनी की इंपोर्ट है, हमारी अपनी इंपोर्ट नहीं है, तो इसके कॉस्मेटिक पार्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आता है कि इसके पार्ट मार्केट के अंदर बॉडी के पार्ट्स नहीं मिलते, मैकेनिकल इसके कंप्लीट पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स अगर नहीं मिलते तो उसके लिए भी आपकी बॉडी डैमेज हो गई है, टूट गई है, किसी भी कंडीशन में ले आए उसको, इंशाल्लाह आपको हम उसी को ठीक करके दे देंगे। सही हो गया, ये एक पीस ऑफ माइंड हो जाएगा जी।
जी तो बाकी भी और सस्ती बाइक्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल में हम यहाँ खड़े हैं तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं। जी जी। और सुजुकी जिक्सर 150 दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। 2021 का मॉडल है, एक्रा पवेक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ये बाइक है। और इस बाइक की जो प्राइस व्यूअर्स डिमांड की जा रही है वो है 4,95,000, 4,95,000 रुपीज़। और काफ़ी अच्छी कंडीशन का बाइक है। बाइक की माइलेज की बात करें तो 7,000 किलोमीटर इस बाइक की माइलेज है। और इसका कंप्लीट रिव्यू भी लेके आने वाले हैं हम। आज हमने वीडियो इसकी बनानी है, कल अपलोड करेंगे यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ के ऊपर, इसकी वीडियो अपलोड भी करेंगे हम। 7,373 किलोमीटर, 7,373 किलोमीटर ये बाइक यूज़ है, 4,95,000 रुपये। इसके बाद बात करेंगे एक और 250 सीसी सिंगल सिलेंडर कावासाकी निंजा के रेप्लिका की। और ये 250 सीसी है, सिंगल सिलेंडर है, यूज़ मोटरसाइकिल है और इसकी प्राइस जो डिमांड कर रहे हैं हम वो 3,95,000, 3,95,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं 400 सीसी के अंदर कावासाकी निंजा का रेप्लिका। और ये बाइक EFI है, कार्बोरेटर बेस्ड नहीं बल्कि EFI बेस्ड मोटरसाइकिल है, लाहौर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, नीट एंड क्लीन कंडीशन है, SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 5,40,000। इसके बाद व्यूअर्स आपको दिखाते हैं जनाब हम एक और सस्ता बाइक, होंडा CBR का रेप्लिका रेप्सोल एडिशन 250 सीसी सिंगल सिलेंडर यूज मोटरसाइकिल, 2020 का मॉडल है व्यूअर्स, और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 3,50,000। इसके बाद हाई स्पीड इन्फिनिटी जो कि हाई स्पीड फ्रीडम 200 सीसी सिंगल सिलेंडर ब्रांड न्यू 0 मीटर मोटरसाइकिल है और इसकी प्राइस 3,75,000 रुपये है। आप हाई स्पीड की प्राइस अगर मार्केट में चेक करेंगे तो आपको यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट से जो प्राइस मिलेगी वो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। प्राइसेस हमारी बिल्कुल बहुत बेस्ट हैं इसके अंदर, और मार्केट के अंदर आपको लोग 4,25,000 रुपये में या 4,00,000 में ये बाइक देंगे, बट यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट से आपको ये बाइक मिलेगा 3,75,000 रुपये में। इसके बाद हम एक और डबल सिलेंडर बाइक के बारे में बात करते हैं जी, BMW का रेप्लिका S1000RR का 2018 का मॉडल है। और ये ड्यूअल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वाटर कूल के साथ है। और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं हम लोग वो है 5,25,000 रुपये, 5,25,000 रुपीज़। इसके साथ हमारे पास ब्रांड न्यू R3 का रेप्लिका 400 सीसी ड्यूअल सिलेंडर वाटर कूल के साथ ब्रांड न्यू 0 मीटर मोटरसाइकिल। और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 8,50,000 ब्रांड न्यू 0 मीटर की। इसके साथ ही अगर हम फिलहाल में फ्रंट व्यूअर्स को दिखाते हैं तो, और इसके साथ भी आप जो बाइक देख रहे हैं वो है जनाब R3 के बाद कावासाकी का रेप्लिका। ये कावासाकी का रेप्लिका है 400 सीसी वाटर कूल के साथ ड्यूअल सिलेंडर ब्रांड न्यू 0 मीटर 2023 का मॉडल। और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 8,50,000 रुपये। इसके बाद डुकाटी का रेप्लिका 400 सीसी के अंदर, और व्यूअर्स ये स्लाइटली यूज मोटरसाइकिल है, और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 9,25,000 रुपये। ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल 9,75,000 में, ये बाइक 9,25,000 रुपये में आपको मिलेगा। इसके साथ यामा R1 का रेप्लिका 400 सीसी EFI वाटर कूल अपसाइड डाउन शॉक के साथ LCD डिस्प्ले के साथ ब्रांड न्यू 0 मीटर 9,75,000 रुपीज़। और उसके बाद H6 जो कि वेलेंटिनो का रेप्लिका है 400 सीसी EFI वाटर कूल स्लाइटली यूज 900 किलोमीटर जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 8,50,000। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ओरिजिनल बाइक्स के बारे में। तो 300 सीसी और 250 सीसी के अंदर हमारे पास 2-3 बाइक्स अवेलेबल हैं। आप रेड वाला जो बाइक देख रहे हैं ये है जनाब कावासाकी निंजा 300 2013 का मॉडल है व्यूअर्स, और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं हम लोग वो है 9,60,000 रुपये, 9,60,000 रुपीज़। इसके बाद आपको दूसरा जो बाइक नज़र आ रहा है ये भी कावासाकी निंजा है, और ये भी 2012 का मॉडल है ये व्यूअर्स, और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 9,65,000 रुपये, रावलपिंडी रजिस्टर्ड ये बाइक है। और इसके बाद सेम कलर स्कीम के अंदर कावासाकी निंजा 250, और ये भी बहुत नीट एंड क्लीन बाइक है, ब्रांड न्यू टायर्स हैं, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, हैंडल बार्स हैं, उसके अलावा इसके ऊपर छोटी लिवर्स लगाए गए हैं, M4 का एग्जॉस्ट है, ब्रांड न्यू टायर्स हैं, और रेयर भी गार्ड्स लगाए गए हैं इसके ऊपर।
और इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 9,25,000 रुपीज़ है। इसके बाद आपको हम देखते हैं हम जी कावासाकी निंजा 400, ये भी ओरिजिनल मोटरसाइकिल है, 400 सीसी के अंदर, ड्यूअल सिलेंडर के अंदर और सिंगल डिजिट नंबर इसका लगा हुआ है इस्लामाबाद का, मिचलन के टायर्स हैं और इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है 10,65,000, 10,65,000 रुपीज़। इसके बाद एक और H6R रेप्लिका, ये भी कोई 1,000 किलोमीटर यूज है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 8,50,000, 8,50,000 रुपीज़। फिर हम बात करेंगे R1 का रेप्लिका, ये कलर स्कीम वही है जो आपने पहले देखी, 400 सीसी EFI वाटर कूल अपसाइड डाउन शॉक LCD डिस्प्ले के साथ, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल 9,75,000 रुपीज़ का। इसके बाद जो डुकाटी का हमने आपको वेरिएंट दिखाया विंग्स वाला, और उसी के अंदर ये ब्लैक कलर के अंदर भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है 9,75,000 रुपीज़ के अंदर, और सेम वही बाइक है जस्ट ब्लैक कलर के अंदर है। इसके बाद व्यूअर्स एक बड़ी मज़ेदार ऑप्शन है, R1 का रेप्लिका है जो कि है तो 250 सीसी बट जस्ट 700 किलोमीटर यूज़ है, ब्रांड न्यू कंडीशन है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और बाहर निकाल के दिखाते हैं व्यूअर्स को, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, स्पॉटलेस कंडीशन का बाइक है, 700 किलोमीटर यूज़ है व्यूअर्स, और इस ब्रांड न्यू बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 6,00,000 रुपये है। अगर आप न्यू बाइक लेते हैं तो उसकी प्राइस 6,50,000 रुपीज़ है, उसके बाद आपको एग्जॉस्ट चेंज करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, बट इस बाइक के अंदर ये दोनों चीज़ें हुई हुई हैं और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 6,00,000 रुपये। इसके बाद R3 का रेप्लिका 250 सीसी सिंगल सिलेंडर यूज मोटरसाइकिल 4,25,000 रुपये में, कावासाकी निंजा का रेप्लिका 250 सीसी सिंगल सिलेंडर 2020 का मॉडल इस्लामाबाद रजिस्टर्ड और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 4,95,000। इसके बाद Z1000 के रेप्लिका दो बाइक्स हमारे पास अवेलेबल हैं रेड एंड ब्लैक के अंदर, दोनों ड्यूल सिलेंडर EFI वाटर कूल अपसाइड डाउन शॉक के साथ, और दोनों यूज मोटरसाइकिल हैं, एक अनरजिस्टर्ड है और एक इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और इनकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 7,75,000 ईच है। उसके बाद Z1000 का रेप्लिका ब्रांड न्यू 0 मीटर और व्यूअर्स इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 9,50,000 400 सीसी के अंदर। व्यूअर्स इसके अलावा फिर आपको हम दिखाते हैं स्कूटर्स, 2 स्कूटर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक आपको रोड प्रिंस का बेला मिलता है जो कि ब्रांड न्यू 0 मीटर है, मार्केट में अगर आप इसकी प्राइस चेक करेंगे तो 2,65,000 रुपये है 100 सीसी ब्रांड न्यू 0 मीटर की, बट यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर स्पेशल ऑफर चल रही है, इसके अंदर ये बाइक आपको मिलेगा 2,40,000 रुपये में। इसके बाद सिग्नस की स्कूटी मिलेगी 150 सीसी के अंदर और इसकी प्राइस भी है 2,40,000। अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स बाइक की, नहीं मेरा ख्याल में पहले बात करते हैं हम क्रूजर्स की, टूरिंग की, और फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप व्यूअर्स ये बाइक देख रहे हैं सुजुकी M109R 2012 का मॉडल है व्यूअर्स, इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगे हुए हैं और एयर इनटेक्स लगी हुई हैं, वेरी नीट एंड क्लीन कंडीशन का बाइक है, टायर्स ब्रांड न्यू डले हुए हैं और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 3,000,000 है, 30,00,000 रुपीज़, 30,00,000। और पावर की अगर बात कर लें व्यूअर्स तो इसकी बाइक की पावर है 1800 सीसी, 1800 सीसी के अंदर ये वीट मेन इंजन होता है। इसके बाद हमारे पास 2 अदद M800 खड़े हुए हैं और ये 2014 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट वाइजर लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट लाइट्स लगी हुई हैं, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, वेरी नीट एंड क्लीन, टोटल ओरिजिनल पेंट के अंदर मोटरसाइकिल है और आफ्टर मार्केट कोबरा के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं और इसकी जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं हम लोग वो है 21,50,000 रुपीज़। इसके बाद एक और M800 है जी, ये कराची रजिस्टर्ड है और 2014 का ही मॉडल है व्यूअर्स और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 20,50,000, 20,50,000 रुपीज़ सेम स्पेक्स के साथ। फिर हम बात करेंगे हार्लेज की, तो ये तो मेरा हार्ले है, इसका भी फिलहाल कोई मेरा इरादा नहीं है देने का। ये एक आप जो हार्ले देख रहे हैं व्यूअर्स, ये 2013 का मॉडल है और बड़ा खूबसूरत कलर थीम है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ये बाइक है और इसके अंदर वाइंस एंड हाइंस के ओरिजिनल आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगे हुए हैं और व्यूअर्स इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 32,00,000 रुपये, 32,00,000 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास हार्ले डेविडसन 883 अनरजिस्टर्ड बाइक है और 2012 का मॉडल है और व्यूअर्स इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 18,75,000 रुपीज़ है, 18,75,000 रुपये। इसके बाद एक हाई स्पीड इन्फिनिटी और ये बाइक जो है ना सिर्फ 500 किलोमीटर यूज है व्यूअर्स और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 2,70,000 रुपीज़, 2,70,000 रुपये 500 किलोमीटर यूज बाइक की। ये ब्रांड न्यू कितने में मिल रहा है? ब्रांड न्यू की हमारी एक स्पेशल ऑफर चल रही है, उसमें भी स्टॉक हमारा 2-3 दिन में आ जाएगा,
और बड़ी अच्छी प्राइस के ऊपर आपको मार्केट के अंदर, तो इस वक्त इसकी प्राइस 3,25,000 है। हाँ, महंगा हो गया ना। यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर आपको हमेशा से ही हाई स्पीड की स्पेशल प्राइस मिलती है, तो 3-4 दिन में स्टॉक आ जाएगा, तो एक अच्छी सी ऑफर देंगे अपने व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह। इसके बाद कुछ टूरिंग बाइक्स के बारे में बात करते हैं। एडवेंचर, बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स बाइक चलाने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम कहते हैं यार ये एक ही रोड है और भगा भगा के फेडअप हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है। तो उन लोगों के लिए टूरिंग बाइक जो है ना वो बड़ी अच्छी कैटेगरी है, और मैच्योर बाइकर एंड उनका यही होता है। बिगनर्स के लिए एक अच्छे बजट के अंदर बड़ा टूरिंग बाइक बेनेली है। बेनेली के हम ऑथराइज डीलर भी हैं, और ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल भी अगर आप हमारे से बुक करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस जो है ना 22,25,000 रुपीज़ है। स्टॉक इसका पोर्ट के ऊपर आ चुका है, इंशाल्लाह विद इन 1 वीक स्टॉक रिलीज़ हो जाएगा, 8 to 10 days में, और इमीडिएट डिलीवरी के अंदर आपको 22,75,000 पे करना पड़ेगा, उसी वक्त आपको डिलीवरी मिलेगी। बुकिंग की प्राइस है 22,25,000 रुपीज़। दो यूज मोटरसाइकिल अवेलेबल हैं जी, ये व्यूअर्स 2020 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 18,50,000 रुपये। तो यू आर सेविंग अराउंड 4 लाख रुपीज़ ऑन दिस बाइक, और बाइक इज़ इन 10x10 कंडीशन, और पॉलिसी हमारी वही है कि 24 आवर्स मनी बैक गारंटी और 1 वीक वारंटी। किसी किस्म का कोई भी अगर इशू है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाइक इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन, इसके बॉक्सेस इसके साथ अवेलेबल हैं, और प्राइस इसकी 18,50,000। दूसरा बाइक है जी 2021 का मॉडल, ये भी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। इस बाइक की माइलेज सिर्फ 4,000 किलोमीटर है, और इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो है 20 लाख रुपये। 20 लाख में ये बाइक आपको मिलेगा 4,000 किलोमीटर यूज़, तो इसके ऊपर भी आप तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए सेव कर रहे हैं, और सिर्फ 4,000 किलोमीटर ये बाइक यूज्ड है। और बॉक्सेस इसके सारे मिलेंगे जी, इसके भी सारे बॉक्सेस साथ अवेलेबल हैं। एक स्कूटी हमारे पास यहाँ पर यूज़ के अंदर मिल रही है जी आपको, 2020 मॉडल है और यूज़ स्कूटी है, और व्यूअर्स इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो है 1,85,000 रुपीज़, 150 cc की यूज स्कूटी है ये। ये चिड़िया का बच्चा क्या कर रहा है? ये चिड़िया का बच्चा इलेक्ट्रिक बाइक है, बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए, और 38,000 रुपीज़ का ये जस्ट लाइक साइकिल ही है, बट ये इलेक्ट्रिक है और पावर्ड बाय बैटरी है, और बाइक बैट्स की जो है ना तकरीबन कोई 30 से 35 किलोमीटर ये एक चार्ज के अंदर करती है जी। आजकल तो 40-50,000 रुपये की फैट टायर वाली साइकिल मिलती है, तो बस ये 38,000 के अंदर हम आपको ब्रांड न्यू साइकिल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक वो भी। फिर एक और बड़ा खूबसूरत कैफे रेसर है हमारे पास, और ये ब्रांड न्यू 0 मीटर है, लोकल कस्टमाइज नहीं हुआ हुआ, ये इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल है, एज इट इज़ इम्पोर्ट किया गया है, और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 3,25,000 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं जी कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये बाइक अवेलेबल है, सुजुकी बैंडिट 650, जो कि 2014 का मॉडल है, 3400 किलोमीटर यूज्ड है, और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 18 लाख रुपये, 18 लाख रुपीज़। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत अच्छी ऑप्शन आई है, यामा FZ6R, और व्यूअर्स ये बाइक 2013 का मॉडल है, एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसमें आपको फेयरिंग भी मिलती है, और फील जो है आपको एक नेकेड बाइक वाली, अगर आप चलाते हैं इसकी हैंडलिंग इस तरह है जिस तरीके से आप एक नेकेड बाइक चला रहे हैं, और यहाँ पर आपको फेयरिंग भी मिलती है, और फ्रंट के ऊपर आपको स्क्रीन भी दी जाती है, और बड़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर ये बाइक है। इसकी प्राइस डिमांड करें हम 15,90,000 रुपीज़, 15,90,000 रुपये। अच्छा, इसमें ये इन्होंने बताया ना कि ये फील ही डिफरेंट है। अब ये कन्वेंशनल हमारे पास स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक है, और इसका सेटिंग पॉस्चर जो है आपको कमिटेड होके बड़ा ऑल द वे डाउन होके बैठना पड़ेगा। मैं आपको बैठ के भी बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो फुल आपको झुक के चलाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इसको आप टूरर बाइक भी कह सकते हैं, यू कैन गो ऑन लॉन्ग टूर्स ऑन दैट बाइक विदाउट गेटिंग टायर्ड अप। आप बिल्कुल ईजीली, बिल्कुल ऐसे अपराइट इसका स्टैंस होगा, आप इसे टूरिंग पे भी लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, इजी होगा बहुत। देखिए इस बाइक के अंदर आपको ये कि आप डेली कम्यूट में यूज़ कर सकते हैं, थकाता नहीं है, रश में लेके जा सकते हैं। वो स्पोर्ट्स बाइक आपको ट्रैक बाइक्स हैं वो आप डेली कम्यूट में यूज़ नहीं कर सकते, वो होते भी नहीं है, थक जाता है बंदा, इसमें थकावट वाली सीन नहीं है बिल्कुल। इसके बाद दो और स्पोर्ट्स बाइक यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, एक होंडा CBR है जी 954, और येलो कलर के अंदर एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, 2005 का मॉडल है व्यूअर्स, और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 12,75,000 रुपये। इसके बाद सुजुकी जिक्सर 600 cc 2010 का मॉडल, और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 16,50,000 रुपये। अब लेके चलते हैं आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और वहाँ दिखाते हैं बड़ी मज़ेदार मज़ेदार बाइक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन बाइक्स की तरफ लेके चलते हैं। क्लाइमैक्स वहाँ पे होगा, क्लाइमैक्स वहाँ पर। सो गाइस, फर्स्ट फ्लोर
जो कि क्रीम ऑफ द क्रॉप यहाँ पे होती है। और देखते हैं, सबसे पहले क्रीम से ही शुरू करते हैं, ठीक है, द लेजेंड इटसेल्फ। जी उमर भाई, H2 से स्टार्ट करते हैं। कावासाकी निंजा H2 2015 का मॉडल, ब्रॉक्स का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम विद टाइटेनियम हेडर्स इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, लाहौर रजिस्टर्ड है और प्राइस 58 लाख रुपीज़, 58 लाख रुपीज़ की। इसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त कंडीशन का बाइक सुजुकी जिक्सर 1 मिलियन एडिशन 2013 का ये मॉडल है व्यूअर्स, और 1 मिलियन एडिशन है टाइटेनियम हेडर के साथ, फुल एग्जॉस्ट सिस्टम योशीमोरा लगा हुआ है इस पर, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, शॉर्टी लिवर्स लगे हुए हैं और व्हील स्पूल्स लगे हुए हैं। व्यूअर्स, इस बाइक की जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं हम लोग वो है 26 लाख रुपये, 26 लाख रुपीज़, काफ़ी रीज़नेबल बजट में ये बाइक है, 2013 का मॉडल है, अच्छी कंडीशन का बाइक है, बेस्ट ऑप्शन है। और चले साउंड टेस्ट भी इसका करवा देते हैं जी व्यूअर्स को। व्यूअर्स, जब ओरिजिनल बाइक, व्यूअर्स जब किसी भी बाइक के ऊपर ब्रांडेड एग्जॉस्ट लगा होता है तो उस बाइक के अंदर क्वालिटी साउंड आपको मिलती है, उसके अंदर लाउडनेस नहीं मिलती बट क्वालिटी साउंड मिलती है, बेस होती है और बेसी साउंड है, तो इसकी भी साउंड आपको चेक करवाते हैं, काफ़ी क्वालिटी साउंड है इसकी। व्यूअर्स, देखा आपने, बड़ी मज़ेदार इसकी साउंड है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है और सिर्फ 26 लाख रुपये इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है। इसके बाद एक और जिक्सर के बारे में बात करेंगे, विच इज़ 2015 मॉडल, 2015 मॉडल जिक्सर 600cc है, और व्यूअर्स इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 27 लाख रुपये है, 27 लाख रुपीज़। क्रैश गार्ड लगे हुए हैं इसके ऊपर, आफ्टर मार्केट ग्रिप्स लगी हुई हैं और ब्रांड न्यू टायर्स इसके ऊपर लगाए गए हैं। इसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट जो बाइक देख रहे हैं, दिस इज़ सुजुकी जिक्सर 2018RR विच इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट, और ये इंशाल्लाह कल बाइक यहाँ से या परसों चला जाएगा, इस्लामाबाद में ही रहेगा बट ये सोल्ड आउट है। इसके बाद हम बात करेंगे सुजुकी जिक्सर 2017 के बारे में, और 2021 की इंपोर्ट है ये बाइक। इस बाइक के अंदर क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट वाइजर लगा हुआ है, ब्रॉक्स पेंटा कार्बन का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है, और व्यूअर्स इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 47,50,000 रुपीज़ की जा रही है, 47,50,000 रुपये। इसके बाद यामा R1M, और व्यूअर्स ये डायनो ट्यून है, 2018 का मॉडल है, बहुत सारा सामान इसके ऊपर लगा हुआ है और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 58 लाख रुपीज़। इसके बाद BMW 2020, और ये व्यूअर्स 5,000 किलोमीटर यूज्ड है, इसके ऊपर भी ब्रॉक्स पेंटा कार्बन का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 62 लाख रुपीज़ की जा रही है, 62 लाख रुपये। इसके बाद बात करेंगे हम ZX10R के बारे में, ये 2015 का मॉडल है, स्टेज 2 ट्यून हुआ हुआ है ये बाइक, M4 का कंप्लीट एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, क्रैश गार्ड लगाए गए हैं, आफ्टर मार्केट वाइजर लगाया गया है, और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 35 लाख रुपीज़, 35 लाख रुपये इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है। इसके बाद ये बाइक है, ये ऑन होल्ड है 2 दिन के लिए किसी क्लाइंट के लिए, अगर 2 दिन में वो नहीं आए तो फिर हम इसको सेल पे लगाएंगे, फॉर 2 डेज ये होल्ड है। R6 2012 का मॉडल, कॉनर एडिशन, और व्यूअर्स इस बाइक के ऊपर SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 18,75,000 रुपये। इसके बाद 2014 मॉडल यामा R6, काफ़ी खूबसूरत कलर कम्बिनेशन होता है इसके अंदर, गोल्डन और ग्रे का, और व्यूअर्स इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 22 लाख रुपये, 2014 मॉडल की। इसके बाद एक और 2013 मॉडल अवेलेबल है, R6 यामा, इसकी भी प्राइस डिमांड की जा रही है 22 लाख रुपये। इससे पहले कि हम कस्टमाइज बाइक के बारे में बात करें, कुछ नेकेड बाइक्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डुकाटी 848 के बारे में। व्यूअर्स, ये डुकाटी का 848 है, 2012 का मॉडल है, लाहौर रजिस्टर्ड ये बाइक। इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 22 लाख 22 लाख रुपीज़, और नेकेड कैटेगरी के अंदर काफ़ी खूबसूरत बाइक है ये जी। इसके बाद Z1000 विच इज़ ऑल टाइम फेवरेट नेकेड कैटेगरी के अंदर, जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो है Z1000, और ये बाइक है जी 2016 का मॉडल है व्यूअर्स, और इसके ऊपर टू ब्रदर के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। उसके बाद व्यूअर्स इस बाइक के ऊपर क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, हैंडल बार्स लगी हुई हैं, वेरी नीट एंड क्लीन कंडीशन का ये बाइक है, और इस बाइक की जो प्राइस हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो है 32 लाख रुपये, 32 लाख रुपीज़ इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है। सो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त Z1000, इसकी ज़रा साउंड चेक करते हैं कैसी साउंड देता है ये।
अभी थोड़ा सा हम इसे वो देते हैं टाइम, थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन कर ले अपना, फिर इसे रेव अप करके आपको इसकी धाड़ सुनाते हैं कैसी। H2 से किसी भी तरह कम साउंड नहीं है इसकी, अफकोर्स कावासाकी का DNA है इसमें भी। तो चलिए थोड़ा सा इसे टेम्परेचर मेंटेन होने देते हैं, फिर उसके बाद इसे बूम बूम करते हैं। इनलाइन 4 सिलेंडर अपनी पूरी आब और ताब के साथ, वन टू थ्री। मजा आया, यकीन आया होगा। इसके बाद एक और नेकेड बाइक कावासाकी Z1000 सामने अवेलेबल है, योशिमोरा के फुल एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ। योशिमोरा का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, टेल डीडी लगी हुई है, आफ्टर मार्केट लिवर्स हैं, आफ्टर मार्केट वाइजर है, फ्रंट जो है इसके ऊपर क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, इंजन गार्ड लगे हुए हैं। और व्यूअर इस बाइक की जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो है 18,75,000 रुपीज़। अब इसके बाद हम स्टार्ट लेंगे कुछ कस्टमाइज बाइक्स के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले एक लास्ट जिक्सर 1000 रह गया है तो वो भी दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। ये 2012 का मॉडल है, मोटो जी बी एडिशन है और व्यूअर्स लाहौर रजिस्टर्ड ये बाइक है, मोटो जी बी का इसके ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो है 23 लाख रुपये, 23 लाख रुपीज़। इसके बाद हम बात करेंगे सुजुकी जिक्सर 1000 2009 मॉडल कस्टमाइज बाइक, फैट टायर के 250, गोल्ड प्लेटिंग, नॉस सेटअप, टॉसे एग्जॉस्ट, बहुत सारे सामान के साथ। और बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 32 लाख रुपये, 32 लाख रुपीज़। फिर सुजुकी हायाबुसा जो कि 2014 का मॉडल है, ब्लैक कलर के अंदर ब्रॉस का ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम इसके ऊपर लगा हुआ है व्यूअर्स। और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो हम 32,50,000, 32,50,000 रुपीज़। फिर दो अदद कस्टमाइज बूसाज हैं, पहले आप देख रहे हैं ये है पाइथन बूसा इसको बोला जाता है, 360 फैट टायर किट के साथ। इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 36 लाख रुपये, 36 लाख रुपीज़। और इसके साथ जो गोल्डन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये 2011 का मॉडल है, फैट टायर 360 किट के साथ। और इसकी जो प्राइस हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो है 37 लाख रुपीज़, 37 लाख रुपये। जी तो व्यूअर्स ये था आज का स्टॉक, उम्मीद करते हैं आपको ये बाइक्स पसंद आई होंगी। इनमें से कोई बाइक भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे शोरूम पे विजिट भी कर सकते हैं। और एंडिंग के लिए हैंडेड ओवर टू ख्वाजा उमर। सो गाइज लाइक ही सेड दिस इज इट, उम्मीद है आज की उल्टी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा हम फर्स्ट फ्लोर से शुरू करके लास्ट फ्लोर पे जाते हैं, आज लास्ट फ्लोर से शुरू किया और फर्स्ट फ्लोर पे आए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जैसा कि उमर भाई ने पहले बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक खूबसूरत स्पोर्ट्स बाइक जीतने का मौका ज़ाया मत कीजिएगा। अब कौन सा स्पोर्ट्स बाइक होगा वो उमर भाई ने बताया कि जब 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी, हो जाएगी। और गिफ्ट तो अच्छा ही देना चाहिए, गिफ्ट दो तो अच्छा ही दो वरना ना दो, ऐसा सीन होता है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जज़ाकअल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।